हेलो एवरीवन वेलकम टू के वी टीचर्स गिड सो बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे सिक्स क्लास मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर ये लास्ट ईयर हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर है ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन सबसे पहले है सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री आर एम सी क्यू पहले तीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है फर्स्ट इज विच डायरेक्शन यू विल फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड मेकिंग हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लाक वाइज आप किस डायरेक्शन को फेस करेंगे अगर इनिशियली आपका फेस ईस्ट डायरेक्शन में है उसके बाद हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन आप कम्प्लीट करते हैं क्लॉक वाइज ऑन पेपर डायरेक्शन होती है राइट हैंड साइड में ईस्ट लेफ्ट में वेस्ट ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ तो शुरू में आपका फेस था ईस्ट की तरफ देन क्लॉक वाइज आपने मूव करना स्टार्ट किया जिस तरीके से क्लॉक के जो हैंड्स हैं वो मूव करती हैं ऐसे तो यहाँ से आपने चलना शुरू किया और कम्प्लीट किया हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन एक कंप्लीट रेवोल्यूशन ये होता है पूरा चक्कर हाफ आपने कंप्लीट किया मतलब ये हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन तो आप कहाँ पहुंचेंगे अभी आप फेस करेंगे वेस्ट डायरेक्शन को डी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट इज एन इंटीजर विच इज टू स्टेप्स टूवर्ड्स लेफ्ट टू माइनस फाइव ऑन नंबर लाइन इज नंबर लाइन के ऊपर माइनस फाइव से दो स्टेप्स लेफ्ट की तरफ कौन सा इंटीजर होगा तो so ये है नंबर लाइन जीरो राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स वन टू थ्री फोर लेफ्ट में सो ऑन लेफ्ट में माइनस वन माइनस फोर माइनस एट अप टू माइनस इनफिनिटी ओके सो माइनस फाइव से आप मूव करना स्टार्ट करेंगे ये है माइनस फाइव दो स्टेप्स लेफ्ट में आपको जाना है वन टू टू स्टेप्स लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है माइनस सेवन बी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट इज रीड द कंटेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर आस्ट क्वेश्चंस ओके प्राइम नंबर द नंबर्स अदर दैन वन वन के अलावा वो सभी नंबर्स हुज ओनली फैक्टर्स आर वन एंड द नंबर इट्सल्फ जिनके दो ही फैक्टर्स हो एक तो वन और एक खुद नंबर आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स वन अकेला ऐसा नंबर है विच इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट फॉर एग्जाम्पल थ्री है थ्री दो ही की टेबल में आएगा वन की और थ्री की सिमिलरली थर्टीन वन थर्टीन नाइनटीन के भी दो ही फैक्टर्स हैं वन एंड नाइन्टीन तो इन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स नेक्स्ट इज को प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर हम बोलते हैं एनी सेट ऑफ नंबर्स विच डू नॉट हैव एनी अदर कॉमन फैक्टर अदर दैन वन जिनके वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं को प्राइम या फिर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स फॉर एग्जाम्पल नाइन और सिक्सटीन नाइन वैसे प्राइम नंबर नहीं है नाइन के फैक्टर्स क्या हैं वन थ्री नाइन वन और नाइन के अलावा ये थ्री की टेबल में भी आएगा इसी तरीके से सिक्सटीन वन टू फोर की टेबल में आएगा फोर फोर जार्सटीन एट टू जर सिक्सटीन सिक्सटीन वन सेज सिक्सटीन लेकिन इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो नाइन और सिक्सटीन दोनों को डिवाइड करें वन के अलावा तो इन्हें हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स नेक्स्ट इज ट्विन प्राइम्स ट्विन प्राइम्स आर अ पेयर ऑफ प्राइम्स विच डिफर बाय टू ऐसा एक पेयर जिनके बीच में दो का डिफरेंस हो फॉर एग्जाम्पल थ्री एंड फाइव मतलब इनके बीच में बस एक ही कॉम्पोजिट नंबर होगा उन्हें हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स लगातार प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस टू हो फॉर एग्जाम्पल नाइन और सॉरी सेवन और इलेवन है सेवन के बाद इलेवन आता है लेकिन ये ट्विन प्राइम नहीं है क्योंकि इनके बीच में बहुत सारे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं एट है नाइन है टेन है ओके इलेवन okay? और थर्टीन ट्विन प्राइम्स हैं दो का ही डिफरेंस है इनके बीच में सिर्फ ट्वेल्व है ओके अभी क्वेश्चन हैं विच इज अ कॉम्पोजिट नंबर इनमें से कौन सा एक कॉम्पोजिट नंबर है वन हंड्रेड एंड थ्री वन हंड्रेड एंड सेवन नाइन वन हंड्रेड एंड एलेवन अब वन 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 हमें पता है थ्री के टेबल में आ जाएगा क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स थ्री है तो वन और वन हंड्रेड एंड एलेवन के अलावा इसका एक और फैक्टर है थ्री तो मतलब ये प्राइम नहीं है कॉम्पोजिट नंबर है नेक्स्ट इज नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू ट्वेंटी इज ट्वेंटी तक कितने प्राइम नंबर्स हैं तो पहला प्राइम नंबर है टू थ्री फाइव सेवन एलेवन थर्टीन सेवनटीन नाइनटीन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट प्राइम नंबर्स नेक्स्ट इज एच सी एफ ऑफ वन सिक्सटी नाइन एंड ट्वेल्व इज वन सिक्सटी नाइन वन वन सिक्सटी नाइन के अलावा थर्टीन की टेबल में आता है थर्टीन इंटू थर्टीन थर्टीन का स्क्वायर होता है फिर है ट्वेल्व वन टू थ्री फोर सिक्स एंड ट्वेल्व लेकिन दोनों का जो हाइस्ट कॉमन फैक्टर है वो वन होगा क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं सो एच सी एफ होगा वन नेक्स्ट इज चूज द ट्विन प्राइम्स इनमें से कौन ट्विन प्राइम्स हैं टू एंड फाइव आपको सिर्फ डिफरेंस देखना है टू का हो थ्री का डिफरेंस है नहीं है बहुत डिफरेंस है नहीं है सेवनटीन एटीन नाइनटीन ये है ट्विन प्राइम्स इनके बीच में बस एक ही कॉम्पोजिट नंबर है एटीन ओके एल सी एम ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज देयर दो को प्राइम नंबर्स यानी कि जिनका एच सी एफ वन है उनका एलसीएम हमेशा दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट होती है फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिया था नाइन और सिक्सटीन का दोनों को प्राइम है कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में नाइन और सिक्सटीन दोनों आते हो अगर इनका एल आप फाइन करेंगे थ्री थ्री ज़ार नाइन सिक्सटीन पहले टू से टू एट जार सिक्सटीन टू फोर टू वन फिर थ्री थ्री जार नाइन थ्री वन सिक्स थ्री टू टू ज़ार फोर फोर टू जार एट एट टू ज़ार सिक्सटीन और थ्री थ्री ज़ार नाइन सिक्सटीन नाइन ज़ार वन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर वही है सिक्सटीन इंटू नाइन सो दो को प्राइम नंबर्स का एल्सीय उनकी प्रोडक्ट होती है हमेशा प्रोडक्ट नेक्स्ट इज राइट द रोमन न्यूमरल फॉर नाइन्टी नाइन्टी को रोमन नंबर्स में आप कैसे लिखेंगे नाइन्टी को हम लिखेंगे हंड्रेड माइनस टेन यानी कि हंड्रेड सी सेंचुरी माइनस टेन एक्स नेक्स्ट राइट द प्रोजुसेसर ऑफ वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख टेन लाख टेन करोड़ नाइन हंड्रेड टेन करोड़ नाइन हंड्रेड का प्रोड्यसर होगा टेन करोड़ एज डिज रहेंगे एट हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन आपको इससे सिर्फ माइनस वन करना है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव जीरो वन टू थ्री फोर फाइव एंड देन नाइन डबल जीरो माइनस वन सो बॉरो करेगा यहाँ पर नहीं है यहाँ से बॉर करेगा एट टेन नाइन टेन टेन माइनस वन इज नाइन नाइन एट दैन एज इट इज़ फाइव जीरो फोर फाइव एंड वन ये इसका प्रोसेसर है नेक्स्ट इज़ राइट द फैक्टर्स ऑफ फोर्टी एट फोर्टी एट के फैक्टर्स बताने हैं फोर्टी एट टू टू जार फोर फोर जार एट वन टू सिक्स थ्री वन सो फोर्टी एट के फैक्टर्स होंगे टू इंटू टू इंटू थ्री नेक्स्ट इज हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट ए गिवन पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ लाइन्स पास हो सकती हैं वन टू थ्री फोर फाइव इन फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स इन फाइनाइट और दो गिवन पॉइंट से क्वेश्चन होता दो गिवन पॉइंट से सिर्फ एक ही यूनिक लाइन पास होती है नेक्स्ट इज राइट फिफ्टीन बाई सेवन एज मिक्सड फ्रैक्शन फिफ्टीन बाई सेवन इम प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको मिक्सड में चेंज करना है तो so फिफ्टीन को हम डिवाइड करेंगे सेवन से सेवन टूज आर फोर्टीन वन रिमाइंडर सो होल टू वन रिमाइंडर दिस इज़ वन बाई सेवन वन अभी भी डिवाइड हो रहा है सेवन से होल टू वन बाई सेवन फिफ्टीन बाई सेवन इक्वल टू नेक्स्ट नक्स्ट इज सेक्शन बी इसमें फिर से नाइन टू सिक्सटीन एम सी क्यू है एस्टिमेशन ऑफ सेवन थर्टी प्लस थर्टी नाइन इज सेवन थर्टी थर्टी नाइन को हम एस्टिमेट कर सकते हैं अराउंड फोर्टी फोर्टी से एक ही कम है ये नंबर तो सेवन थर्टी प्लस फोर्टी कितना होगा थर्टी यहाँ पर टें प्लेस पे आपको फोर आगे लेके जाना है थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी दिस इज सेवन हंड्रेड एंड सेवेंटी अप्रॉक्स नेक्स्ट हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ मिलियन कितने थाउजेंड्स मिलके एक मिलियन बनाते हैं मिलियन को हम कैसे लिखेंगे वन टेन्स हंड्रेड थाउजेंड टन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड मिलियन और वन थाउजेंड क्या होगा ये है वन थाउजेंड तीन जीरो कैंसिल आंसर आंसर इज वन थाउजेंड वन थाउजेंड वन थाउजेंड विल मेक वन मिलियन सो सी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं वन से वन टू थ्री फोर अप टू इन्फिनीटी सो स्मॉलेस्ट नैचुरल नंबर है वन वन और स्मॉलेस्ट होल नंबर है जीरो नेक्स्ट इज फोर्टी फोर एज द सम ऑफ टू ऑर्ड प्राइम्स दो ऑर प्राइम के सम में आपको फोर्टी फोर को लिखना है ऑप्शन से क्रॉस चेक कर लेते हैं ये तो प्राइम ही नहीं है एट टू की टेबल में आ जाएगा ये भी प्राइम नहीं है टेन से डिविजिबल है ये दोनों प्राइम है चेक करते हैं सम फोर्टी फोर होना चाहिए थ्री प्लस वन फोर थ्री प्लस वन फोर यही सही है सी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड्स रिक्वायर्ड फॉर अ पॉलीगन इज एक पॉलीगन को बनाने में मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स कितनी चाहिए सो वन साइड पॉलीगन का मतलब है क्लोज फिगर जो स्ट्रेट लाइन से बनी हो एक लाइन से आप किसी भी फिगर को क्लोज नहीं कर सकते सिमिलरली दो लाइन से भी नहीं मिनिमम थ्री लाइंस की हमें ज़रूरत है और सबसे जो स्मॉलेस्ट मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस से हमारा पॉलीगन बनता है उसे हम बोलते हैं ट्रांगल मैक्सिमम आप कितनी भी कर सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व ये ट्वेल्व लाइन्स का एक पॉलीगन है लेकिन कम से कम थ्री लाइन्स हमें चाहिए एक पॉलीगन को बनाने के लिए मिनिमम थ्री नंबर ऑफ साइड्स नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाई आर हैंड ऑफ अ क्लॉक वेन इट गोज फ्रॉम फाइव टू इलेवन फाइव टू इलेवन जाने में फोर फाइव टेन इलेवेन आर हैंड को कितने नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न करने होंगे फोर टू फाइव टू इलेवन अच्छा एक क्लॉक के अंदर एक राइट right एंगल हम टर्न करते हैं क्लॉक हैंड टर्न करती है जब वो थ्री नंबर्स को क्रॉस करती है फॉर एग्जांपल ट्वेल्व से थ्री पर आएगी तो ये एक राइट राइट एंगल होगा या फिर थ्री से सिक्स पर जाएगी कि थ्री नंबर्स के बीच में वन टू थ्री थ्री टू सिक्स आने में एक राइट right एंगल है तो थ्री नंबर्स का मतलब है वन राइट एंगल यहां पर ये क्या होगा हम गए हैं फाइव टू इलेवन कितने नंबर्स उसने क्रॉस किए वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स एंगल्स नंबर ऑफ राइट एंगल्स टू नेक्स्ट इज माइनस वन प्लस सेवन इज माइनस वन प्लस सेवन पॉजिटिव नंबर ग्रेटर है सम पॉजिटिव होगा और हम करेंगे सेवन माइनस वन विच इज सिक्स प्लस सिक्स यानी कि सिक्स अ फ्रैक्शन सॉरी वॉट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज सिक्स आवर्स सिक्स आवर्स एक दिन का कितना फ्रैक्शनल पार्ट है सो वन डे इक्वल टू ट्वेंटी फोर आवर्स यानी कि क्वेश्चन है सिक्स आवर्स ट्वेंटी फोर आवर्स का कितना फ्रैक्शनल पार्ट है सो सिक्स आवर्स बाई ट्वेंटी फोर आवर्स सिक्स फोर्स आर ट्वेंटी फोर वन बाय फोर्थ पार्ट है वन बाई फोर नाउ नेक्स्ट सेक्शन सी राइट द नंबर नेम ऑफ वन फोर टाइम जीरो टू थ्री डबल जीरो सिक्स इन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेशन ओके वन वन टू थ्री फोर टू थ्री डबल जीरो एंड सिक्स पहले इंडियन में देखते हैं वन टेन्स हंड्रेड कामा थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख टेन लाख वन टेड थाउजेंड टन थाउजेंड सॉरी थ्री जीरोज हैं थ्री जीरोज़ थ्री टू वन टू थ्री एंड वन सो वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख टेन लाख करोड़ टेन करोड़ सो दिस इज टेन करोड़ लैक्स में कुछ नहीं है ट्वेंटी थ्री थाउजेंड थाउजेंड हंड्रेड कुछ नहीं है टें प्लेस पर कुछ नहीं है सिक्स ओके इंडियन के अकॉर्डिंग है इंटरनेशनल में क्या होगा सिक्स डबल जीरो 3 2 0, 0, 0 1. One stands hundred thousand, 000, ten thousand, hundred thousand, million, ten million, hundred million. So this is hundred million twenty-three thousand and six. Okay, next. Next is find the value using suitable property. वैल्यू फाइंड करनी है टू नाइन्टी सेवन इंटू सेवनटीन प्लस टू नाइन्टी सेवन इंटू थ्री इसमें आप ये नहीं करेंगे कि पहले आप मल्टीप्लाई करें दोनों को फिर ऐड करें प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी है टू नाइन्टी सेवन इंटू सेवनटीन प्लस टू नाइन्टी सेवन इंटू थ्री इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे ये दो नंबर्स हैं इनसे टू नाइन्टी सेवन कॉमन लेंगे टू नाइन्टी सेवन ब्रैकेट के बाहर टू नाइन्टी सेवन कॉमन गया सेवनटीन रिमाइंडर प्लस साइन टू नाइन्टी सेवन कॉमन गया थ्री रिमाइंडर सो सेवेंटीन प्लस थ्री टू नाइन्टी सेवन सेवेंटीन प्लस थ्री इज ट्वेंटी इन टू ट्वेंटी लास्ट में जीरो टू सेवन जार फोर्टीन वन नाइन जार एटीन नाइनटीन वन फोर प्लस वन इज़ फाइव आंसर इज़ फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड फोर्टी नेक्स्ट फाइन एल सी एम ऑफ एटीन एंड सेवेंटी टू एटीन और सेवेंटी टू का एल सी एम फाइन करना है टू नाइन जार एटीन वन सॉरी टू थ्री जार सिक्स सिक्स जार ट्वेल्व टू नाइन आंसर इज वन एट टू नाइन नाइन जार एटीन थ्री थ्री सो टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री टू टू जार फोर फोर टू जार एट थ्री थ्री जार नाइन एट नाइन जार सेवेंटी टू दोनों का एलसीएम है सेवेंटी टू ऐसे भी एटीन थ्री हजार सेवेंटी टू सॉरी फोर हजार टू हज़ार थर्टी सिक्स थ्री फिफ्टी फोर फोर सेवेंटी टू और जब एक नंबर दूसरे का प्रोडक्ट हो तो उसमें उन दोनों का एलसीएम ग्रेटर नंबर आता है और एचसीएफ स्मॉलर नंबर है वो आएगा दोनों का एससीएफ एटीन होगा और एलसीएम सेवेंटी टू होगा होना चाहिए भी होना चाहिए लेकिन पॉलीगन ना हो पॉलीगन में क्या है क्लोज होना चाहिए लेकिन वो स्ट्रेट लाइन से बनाओ कोई भी ऐसे फिगर आप ड्रॉ कर देंगे जो स्ट्रेट लाइन से ना बनी हो मान लीजिए ये है सेमी सर्कल या फिर एक सर्कल ये क्लोज है कर्व भी है लेकिन एक पॉलीगन नहीं है क्योंकि इसमें सभी साइड्स स्ट्रेट नहीं है सेकेंड इज एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स लाइन सेगमेंट से बनाना है लेकिन ओपन कर्व होना चाहिए तो जो इनिशियल पॉइंट है उसको एंड पॉइंट से बस ज्वाइन नहीं करेंगे बाकी कितनी भी लाइन आप यहाँ पर यूज़ कर लीजिए ये ओपन है स्ट्रेट लाइन से बना है नेक्स्ट इज अ पॉलीगन विद टू साइड्स ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि पॉलीगन बनाने के लिए हमें मिनिमम थ्री नंबर ऑफ साइड्स चाहिए होती है सो नॉट पॉसिबल नेक्स्ट नेक्स्ट इज गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल एक स्क्वायर को आप एक स्पेशल रेक्टेंगल बोल सकते हैं रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज हैं ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए पैरेलल होनी चाहिए सभी एंगल्स 90 होने चाहिए सभी ये प्रॉपर्टीज स्क्वायर में भी है ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं पैरेलल भी हैं सभी एंगल्स नाइन्टी भी है इनफैक्ट इसमें एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है कि इसमें ऑपोजिट ही नहीं चारों साइड्स इक्वल है तो ये हम बोल सकते हैं क्योंकि रेक्टेंगल की सभी प्रॉपर्टी स्क्वायर में है इनफैक्ट एक्स्ट्रा है उसमें सभी साइड्स इक्वल हैं। तो इसलिए ये स्क्वायर एक स्पेशल रेक्टेंगल है आंसर नंबर ट्वेंटी वन अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल बिकॉज इट हैज

अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैरोलोग्राम एक रेक्टेंगल को आप स्पेशल पैरोलोग्राम बोल सकते हैं पैरलोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए पैरल होनी चाहिए अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए और एडजस्टेंट एंगल्स का सम 180 होना चाहिए अभी रेक्टेंगल में ये सभी प्रॉपर्टीज़ हैं ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं पैरल भी हैं सभी एंगल्स क्योंकि नाइन्टी है तो अपोजिट एंगल्स का अपोजिट एंगल्स इक्वल भी हैं और एडजस्टेंट एंगल्स का साम वन भी है तो हम कहेंगे कि रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज स्पेशल पैरलोग्राम बिकॉज इट हैज ऑल द पैरलोग्राम प्रॉपर्टीज क्योंकि इसमें पैरलोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज हैं और ये एक स्पेशल पैरलोग्राम है जिसमें चारों एंगल्स नाइन्टी डिग्री के हैं सो सेकेंड पार्ट का आंसर होगा आप पैरलोग्राम विद ईच एंगल राइट एंगल Becomes a rectangle. Okay next. Now next is simplify. Thirty seven plus minus two plus minus sixty five plus minus eighteen. Thirty seven plus minus two plus minus sixty five plus minus eighteen. पहले ब्रैकेट्स ओपन करेंगे थर्टी सेवन एजडस प्लस माइनस इज माइनस टू प्लस माइनस माइनस सिक्सटी फाइव प्लस माइनस माइनस एटीन नेगेटिव नंबर्स को एक तरफ ऐड करेंगे पॉजिटिव एक ही है थर्टी सेवन एज इट इज़ रहेगा माइनस एटीन थे माइनस सिक्सटी फाइव और आ गए माइनस टू और आ गए तो माइनस के कितने नंबर्स हो गए एटीन और टू ये माइनस के ट्वेंटी हुए फिर माइनस सिक्सटी फाइव और आए माइनस सिक्सटी फाइव माइनस सेवेंटी फाइव माइनस एटी फाइव तो ये हो गए माइनस एटी फाइव अभी ये दोनों अपोजिट साइंस हैं माइनस एटी फाइव है प्लस थर्टी सेवन है आंसर आएगा नेगेटिव दो नंबर्स के जब डिफरेंट साइंस होते हैं आंसर हमेशा वो आता है जो जहाँ पर ग्रेटर नंबर है एटी फाइव क्योंकि ग्रेटर थर्टी सेवन से और एटी फाइव नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर आएगा और फिर ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को आप माइनस कर देंगे एटी फाइव आपको देखना माइनस वाले कितने ज्यादा है पॉजिटिव नंबर से माइनस थर्टी सेवन फिफ्टीन माइनस सेवन इज एट सेवन माइनस थ्री फोर माइनस फोर्टी एट नेक्स्ट इज इला रीड ट्वेंटी बुक कंटेनिंग हंड्रेड पेजेस एक बुक में हंड्रेड पेजेस हैं इला ट्वेंटी फाइव पेजेस पढ़ती है ललिता रीड टू थर्ड टू बाई फाइव ऑफ द सेम बुक ललिता भी उसी बुक का जिसमें हंड्रेड पेजेस हैं टू फिफ्थ पार्ट पढ़ती है हु रीड लेस कौन कम पढ़ता है सो so, इला के तो नंबर ऑफ पेजेस हमें पता है ट्वेंटी फाइव है ललिता के नंबर ऑफ पेजेस हम फाइड फाइंड करेंगे ट्वेंटी थ्री पार्ट वन पार्ट ए नंबर ऑफ पेजेस ललिता रीड्स जो ललिता पढ़ती है इक्वल टू टू बाई फाइव ऑफ टोटल वन हंड्रेड पेजेस टू बाई फाइव ऑफ इन टू वन हंड्रेड फाइव टू झार टेन ट्वेंटी टू जार फोर्टी तो ललिता पढ़ती है फोर्टी पेजेस और इला पढ़ती है ट्वेंटी फाइव पेजेस नाउ हु रीड लेस कौन कम पढ़ता है इला सो नंबर ऑफ पेजेस इला रीड्स इक्वल टू ट्वेंटी फाइव फोर्टी पेजेस ट्वेंटी फाइव सो इला रीड्स लेस नंबर ऑफ पेजेस नेक्स्ट नाउ सॉल्व होल फोर टू बाई थ्री प्लस होल थ्री वन बाई फोर पहले तो जो मिक्स फ्रैक्शंस हैं, उनको इम प्रॉपर में चेंज करेंगे फिर एल्सियम लेंगे डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे थ्री फोर ज़ार ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन प्लस फोर थ्री जार ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन बाई फोर 3 और फोर का एलसीएम होगा ट्वेल्व ट्वेल्व कॉमन एलसीएम थ्री को भी आपने ट्वेल्व लिख, लिख दिया है फोर so को भी आपने ट्वेल्व लिख दिया है थ्री को किससे मल्टीप्लाई किया होगा ट्वेल्व बनाने के लिए थ्री फोर जार ट्वेल्व ऊपर भी हम फोर से करेंगे फोर्टीन फोर जार फिफ्टी सिक्स प्लस फोर थ्री जार ट्वेल्व ऊपर भी थ्री से करेंगे थर्टीन थ्री जार थर्टी नाइन नाइन सिक्स फिफ्टीन फाइव वन कैरी फोर थ्री प्लस वन फोर फोर प्लस फाइव नाइन नाइनटी फाइव बाई ट्वेल्व ये आंसर है ओके ऑल स्टूडेंट्स ये था सिक्स क्लास मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग